चलिए बढ़ते क्रम और घटते क्रम के कुछ सवाल हल करके देखते हैं। ऐसे सवाल जो हमें काफी उलझा कर रखते हैं, तो ऐसे सवालों को हल करने के क्या तरीके हो सकते हैं। तरीका वही है कि सबसे पहले हमें स्थानीय मान की समझ होनी चाहिए कि कौन सी संख्या कौन से स्थान पर है, और दूसरी बात उनके बीच हमें तुलना करना आना चाहिए, उन्हें तौलना आना चाहिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। इन दो चीज़ों को स्थानीय मान और तुलना करना अगर हमने सीख लिया तो बड़ी से बड़ी संख्या को हम बढ़ते क्रम और घटते क्रम में आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इन संख्याओं में देखते हैं, स्थानीय मान को देख लेते हैं कि कौन सी संख्या कौन से स्थान पर है। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ देखते हैं यह इकाई होगा, यह दहाई, यह सैकड़ा, यह हजार और यह 10,000। ठीक, इसको भी देख लें, यह इकाई है, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। हमारे यह इकाई, यह दहाई, यह सैकड़ा, यह हजार और यह 10,000। उसी तरह से यहाँ भी यह इकाई हो गया, यह दहाई हो गया, यह सैकड़ा हो गया, यह 0,000 और 7 जो है 10,000। यह हमने उनके स्थानों को लिख लिया। हमने यहाँ पाया कि जो चारों जो संख्याएं हैं वह 10,000 तक की संख्याएं हैं। 5 अंकों की संख्याएं हैं, 10,000 तक की संख्या। अब हम आगे हम क्या करेंगे, अब इसे तुलना करना सीखेंगे। तो सबसे बड़े स्थान से तुलना शुरू करेंगे, क्योंकि सभी में 10,000 है। तो चलिए तौलते हैं, यहाँ 10,000, यहाँ भी, यहाँ और यहाँ। तो हमने क्या पाया कि सभी जो हैं 10, सभी 10,000 में होंगे कितने, 7। मतलब चारों संख्याएं 10,000 पर अगर हम तुलना किए तो चारों संख्याएं बराबर हो गई। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब 10,000 में तुलना किए बराबर हो गया, तो हम अब उससे छोटे हजार में आएंगे। अब हजार में तुलना करते हैं, यहाँ 0 है, यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है। क्योंकि हम बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं तो सबसे छोटी संख्या हम शुरू में लिखेंगे, शुरुआत में। तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ हजार में 0 है, 0 सबसे छोटा है इनसे, 7 से। तो यह जो संख्या हो गई सबसे छोटी हो गई, तो यह हो गया 70,777। यह छोटा हो गया। अब यह हमारा कंप्लीट हो गया, इसको अब भूल जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे कि चिन्ह किस तरह से लगे। छोटी है, छोटी को लिखे हैं तो हम इस तरह से चिन्ह लगाएंगे, यह छोटा है इस आगे की संख्या से। ठीक है, क्योंकि हमने पहले सीखा है जो संख्या बड़ी होगी उसकी तरफ इस तरह से उसका मुंह, चिन्ह का मुंह खुला रहेगा। अब यह हो गया कंप्लीट, अब आगे बढ़ते हैं। ये तीनों जो संख्याएं हैं वह 10,000 और 1,000 में बराबर हैं, तो हम सैकड़े में चले। यहाँ सैकड़े में 0 है, यहाँ 7 है और यहाँ भी 7 है। तो यह 0 है तो यह छोटा होगा, तो यह हो गया 70,770। छोटा है 70,770 से। ठीक है, फिर इस तरह से चिन्ह छोटा है का। अब यह भी हो गया। अब हमारे पास दो संख्याएं बची जो 10,000, 1,000, 1,000 में आपस में बराबर है, तो हम चलते हैं दहाई में। दहाई में यहाँ 7 और यहाँ भी दहाई में 7, फिर दोनों बराबर हो गए, कोई बात नहीं। ठीक है, अब हम कहाँ चलेंगे, दहाई में भी बराबर है, सैकड़े में भी, हजार में भी, 10,000। अब हमारे पास बचा इकाई, चलिए इकाई की तुलना करते हैं। यहाँ इकाई में 7 है और यहाँ इकाई में क्या है, 0। तो हमें पता है 0 छोटा है, तो यह संख्या छोटी होगी। क्या हो गया है, 77,770, ये छोटा है, ये भी हो गया। अब हमारे पास बचा ये 77,770,
तो उसे इस तरह से हमने लिख लिया। तो हमने देखा छोटी, फिर उससे थोड़ा बड़ी, फिर बड़ी और अंतिम में सबसे बड़ी संख्या। अब इसी को घटते क्रम में लिखना है, तो बढ़ते क्रम का जो उल्टा है वह घटता क्रम। घटते क्रम में हम सबसे बड़ी को शुरू में लिखेंगे, तो सबसे बड़ी है अंतिम वाला 77,770। अब चिन्ह पलट जाएगा, यह बड़ा है 77,770 से, और यह बड़ा है 77,770 से, और यह बड़ा है किससे 77,770 से। ठीक, तो हमने देखा कि घटते क्रम में धीरे धीरे घट रहा है, सबसे बड़ी, उससे थोड़ा छोटा, फिर उससे छोटा, और अंत में सबसे छोटा। तो इस तरह से हम इसे हल करेंगे। एक और प्रश्न देखते हैं। हमारे पास चार संख्याएं हैं और इन्हें भी हमें बढ़ते और घटते क्रम में लिखना है। तो जैसा मैंने सबसे पहले बताया कि हम स्थानीय मान की तुलना कर लेते हैं, लिख लेते हैं, पहचान कर लेते हैं, यह दहाई, यह सैकड़ा, यह हजार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यह 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, और यह 10,000। क्या हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, और यह 10,000। पहले हमने स्थानीय मान याद कर लिया, स्थानों को लिख लिया। अब हम आगे चलते हैं, इनकी तुलना करते हैं। ठीक, तो हम इनके स्थानों में हमने देखा कि यह 10,000 तक की संख्या है, यहाँ भी 10,000 तक है, यहाँ भी 10,000, लेकिन यहाँ हम देखें यहाँ सिर्फ 1,000 तक की संख्या है, और 1,000 जो है इन 10,000 से छोटा होता है। तो सबसे छोटा हमारा हो गया, बढ़ते क्रम में सबसे छोटे को पहले लिखते हैं, यह हो गया 9,890। अब एक संख्या हम लिख लिए, यह छोटा है। अब चलिए हम तुलना करते हैं, तीन संख्याएं बची, यहाँ 10,000 में 8, यहाँ 10,000 में 5, यहाँ 10,000 में 7। तो 8, 5, 7, छोटा कौन सा है? 5 छोटा है, तो यह जो संख्या हो जाएगा छोटा है 55,280, ये छोटा, यह लिखिए। अब हमारे पास बचा 8, 10,000 और यहाँ 7, 10,000। ठीक है, तो 7 जो है छोटा है, तो यह हो जाएगा 78,500, और छोटा है 80,450। सबसे छोटी संख्या शुरू में और सबसे बड़ी संख्या आखिर। ठीक है, अब चलिए घटते क्रम। तो घटते क्रम जो है बढ़ते क्रम से उठता है, तो इसको लिखने सबसे बड़ी संख्या 80,450, बड़ा है 78,500, यह बड़ा है 55,280 से, और यह बड़ा है 9,890 से। तो हम संख्याओं को इस तरह से बढ़ते और घटते क्रम में लिखना सीखेंगे। हमें ध्यान रखना है स्थानीय मान और तुलना करने का, कि हम किस तरह से उन दोनों के बीच, संख्याओं के बीच तुलना करें।